चंडीगढ़ मेयर चोण दे विच नवां ट्विस्ट खबरां दा प्राइम टाइम दे विच अकाली आगू हरजीत भुल्लर दा वड्डा दावा सत कांग्रेस ते इक साडा वोट होया रद्द आम आदमी पार्टी दे इक होर कौंसलर ने बीजेपी नूं वाई वोट मुड़ हाईकोर्ट पहुंची चंडीगढ़ मेयर दी चोण आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने खारज किते नतीजे घपले दे लगाए इल्जाम कल होवेगी सुनवाई मुख्यमंत्री मानते वालों प्रिजाइडिंग ऑफिसर ते देशद्रोह दे परचे दी मंग कहा गणतंत्र दिहाड़े वाले महीने ही संविधान दी उड़ियां तजियां तां केजरीवाल बोले मेयर नहीं लोकतंत्र है जरूरी मेयर चोण विवाद ते अनिल मसीह दा वड्डा दावा कहा बैलेट ते सी टिक मार्क दे निशान इस करके रद्द करने पई वोट मैं नहीं आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने किता लोकतंत्र दा कान मेयर चोण दे बहाने जेपी नड्डा दा इंडिया गठजोड़ दे उत्ते निशाना बोले अलायंस अपनी पहली चोण ही बीजेपी तो हारिया उन्हां दी केमिस्ट्री नहीं कर रही काम सत श्री अकाल नमस्कार गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाजिर हां फर्क तां पैंदा है लैके जदों पेपर दी तैयारी पूरी होवे पर नतीजे मन मुताबिक ना आउण फिर फर्क तां पैंदा है जिहां इही कुछ चंडीगढ़ दे विच हुंदा होया नजर आया कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे नाल तैयारी पूरी सी 13 ते 7 ते 20 दा अंकड़ा जहन दे विच सी पर जदों इलैक्शन दे रिजल्ट आए तां फिर बीजेपी दा मेयर बढ़ गया बीजेपी दे नाल पहले सीधे मुकाबले दे विच इंडी गठजोड़ अपना पहला चुनाव हार गया बीजेपी दे कौंसलर मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम दे नवे मेयर बन गए उन्होंने आम आदमी पार्टी कांग्रेस दे इंडी अलायंस दे कैंडीडेट कुलदीप टीटा नूं 4 वोटां दे नाल हरा दिता मेयर चोणां दे लई सांसद अते 35 पार्षदां ने वोट किया जिन्हां दे विचों बीजेपी दे मनोज नूं 16 अते आम आदमी पार्टी कांग्रेस दे कैंडीडेट नूं 12 वोटां मिलियां जदों कि अलायंस दीआं 8 वोटां इनवैलिड करार दे दित्तियां गईआं और मैं भी यही अपेक्षा करता हूं कि जितने भी काम चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों हमारे चंडीगढ़ शहर के लिए जितनी भी उनकी बेहतरी के लिए होंगे मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और मन लगाकर मैं काम करूंगा मेयर चोणां दे नतीजियां तो बाद आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर ते डिप्टी मेयर चोण दा बायकॉट कर दिता जिस तो बाद सीनियर डिप्टी मेयर ते डिप्टी मेयर दी कुर्सी भी बीजेपी दी झोली दे विच चली गई इंडिया अलायंस नूं उम्मीद सी कि चंडीगढ़ तो चंगी खबर अलायंस दे लई आएगी खास तौर ते बिहार दे विच होई घटनाक्रम तो बाद पर ओ नहीं होया और नतीजियां च बीजेपी ने बाजी मार ली चंडीगढ़ दे विच मेयर चोणां दे नतीजियां तो निराश आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस ने चंडीगढ़ नगर निगम दे दफ्तर दे विच खूब हंगामा भी किया दोवें पार्टियां दे कौंसलर सदन ते बाहर धरने दे उत्ते बैठ गए आम आदमी पार्टी दे मेयर उम्मीदवार दीआं अक्खां तो हंझू तक छलक गए लोकतंत्र की हत्या हुई है यार वहाँ पर आस है वहाँ पर इंसाफ मिलेगा आम आदमी पार्टी ने चोणां दी पूरी प्रक्रिया नूं गलत दस्या ते चोणां नूं कोर्ट दे विच चैलेंज करन दी गल भी कही आज इसी तरह 8 वोट्स इन्होंने इनवैलिड कर दी है ये हर बार के गुंडा कर दी नहीं चलेगी एमपी इलेक्शंस में जनता को जवाब देना होगा इनको उधर आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस दे तमाम इल्जामां नूं बीजेपी खारिज कर दी दिखी इल्जाम तराशियां दा दौर जारी है पर इस सब दे विचाले बीजेपी नूं वोटां पईआं 16 बीजेपी दे कोल मैंबर सी 15 तां 16वीं वोट किस दी आई चंडीगढ़ मेयर चोण दे विच इक नवां ट्विस्ट आया साडे प्राइम टाइम शो दे विच न्यूज़ 18 दे उत्ते अकाली दल दे आगू ने वड्डा दावा कीता ते कहा कि आम आदमी पार्टी कौंसलर ने क्रॉस वोटिंग कीती है इह श्रोमणी अकाली दल ने दावा कीता कि साडे कौंसलर दी वोट भी रद्द होई है कांग्रेस दीआं सारीआं 7 वोटां रद्द हो गईआं आम आदमी पार्टी दी एक वोट बीजेपी नूं गई है क्रॉस वोटिंग बीजेपी वाले पासे तों कर दित्ती गई इह तर्क दित्ता गया अकाली दल दे बुलारे दे वल्लों उन्हां दा तर्क सी कि कांग्रेस नहीं चाहुंदी सी कि आम आदमी पार्टी दा कौंसलर बने इस करके कांग्रेस दे सारे कौंसलर्स ने अपनी वोट नूं इनवैलिड करवा दित्ता एक वोट आम आदमी पार्टी दी बीजेपी नूं पै गई इस करके उन्हां नूं 16 वोटां पईआं ने ते जिहड़ी 8वीं वोट इनवैलिड होई है ओह अकाली दल दी सी हालांकि इस चर्चा दे विच दुबारा हरजीत सिंह भुल्लर जरूर कह गए कि हाँ 16वीं वोट उन्हां दी ही सी यानी कि अकाली दल दी ही बीजेपी नूं भुगती है जिहड़ी 16वीं वोट है जिस तरह जोशी जी ने कहा है वी वोट कित्थों आई जी एक बहुत वड्डा सवाल है और दूजी गल मैं तुहानूं दसणी चाहूंगा ये ना कांग्रेस वाले इस तरह ना
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੜਿਆਲੀ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਲ ਕੇ ਨੀ ਲੜਨਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦੀਆਂ 7 ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਸਾਡਾ, 13 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੱਢ ਦੂਗੀ, ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 8ਵੀਂ ਵੋਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੈਨਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਕੋ ਪ੍ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾਕਰ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਸੇ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਤੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਹਮੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮੇਅਰ ਕੋ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ। ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਜੈਸੇ ਕਹਾ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨੇ, ਵੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 26 ਵੋਟ ਗਿਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਆ 36 ਵੋਟ ਗਿਣਨੇ ਮੇ ਬੀਜੇਪੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕੈਸੇ ਗਿਣੇ ਜਾਏਗੇ? 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਗਿਣਨੇ ਮੇ ਕਿਤਨਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਗਾ? ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਦਿਖੇ। 36 ਮੇ ਸੇ 8 ਵੋਟ ਮਤਲਬ 25% ਵੋਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਨ ਸਾ ਚੁਣਾਵ ਹੁਆ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਕਿ ਇਨਕੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਕੜਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ 15 ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀਕਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ
अज दे ही दिन गोडसे ने गांधी जी का कतल किया सी ते अज ही गोडसे वादियां ने उन्हां दे आदर्शां ते संविधानिक मुल्लां दी बलि चढ़ा दित्ती। इस सब दे विच आले गल प्रिजाइडिंग ऑफिसर दी भी अनिल मसीह दी भी मेयर चोणां दे विच 8 वोटां रद्द होण दे उत्ते प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह भी इक वड्डा दावा कर रहे ने। अनिल मसीह का दावा है कि जिहड़ियां वोटां नूं रद्द किया गया उन्हां बैलेट पेपर दे उत्ते इनवैलिड टिक मार्क बने सन इसलिए उन्हां नूं रद्द कर दिता गया। इनवैलिड जो वोट्स है उन पे जो उनके मार्क्स होते हैं कुछ टिक मार्क्स होते हैं वो होने नहीं चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उन्हां दे उत्ते इल्जाम लगा रहे आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस दे आगुआं नूं भी खरियां खरियां सुनाईयां। जो उन्होंने आज किया है जो इट वाज मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी दे ट्राई टू कैप्चर द एंटायर पोलिंग सिस्टम। दरअसल मेयर चोणां दे विच निराशा मिलण तों बाद आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस ने अनिल मसीह ते लोकतंत्र दे कतल दे इल्जाम लगाए अते सीएम ने तां प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे खिलाफ देश द्रोह दा मुकदमा दर्ज करन तक दी मंग कर दित्ती है। हुण सवाल जरूर है कि लोकतंत्र दा कतल कान किसने किया क्योंकि दोवें पासे तो इल्जाम लग रहे ने। खैर जदों मेयर दी इलैक्शन होवे और इस सब दे विचाले खूब हंगामा होवे ते इल्जाम लोकतंत्र दे कान ते कतल दे लगण फिर फर्क तां लोकतंत्र नूं जरूर पैंदा है। हुण अग्गे वधदियां ते वारी अज दे सवाल दी। अज दा सवाल नगर कारपोरेशन दे नाल ही जुड़िया होया है। देश दी सब तो पहली नगर कारपोरेशन कीड़ी है? चार ऑप्शन तुहाडे सामने ने। चारों देश दे वड्डे चार शहर ने जिन्हां दा आपां हमेशा तो नाम लेंदे आ मुंबई चेन्नई दिल्ली कोलकाता। चेन्नई जिसनों पहला मद्रास भी किया जाता सी मुंबई चेन्नई दिल्ली कोलकाता इन्हां दे विचों सही ऑप्शन किहड़ी है पहली नगर कारपोरेशन किहड़ी है ये अज दा सवाल ते इसका जवाब थोड़ी देर दे विच पूरी जानकारी दे नाल तुहाडे सामने रखांगे। ते सब दे विचाले लोक सभा चोणां दी दस्तक भी नजर आ रही है किसी भी वेले अगले महीने फरवरी दे विच लोक सभा चोणां दा भी कहा जा रहा है कि ऐलान किया जा सकता है। ते इस विचाले हरियाणा दे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक वड्डा बयान दिता ते उन्होंने कहा कि मार्च के पहले हफ्ते हो सकता है चोणां दा ऐलान। इस बार भी 10 दियां 10 सीटां जितण दा टारगेट है। तो लोक सभा चोणां दे विच हरियाणा दियां 10 लोक सभा सीटां ने पंजाब दियां 13 लोक सभा सीटां ने तो 10 दियां 10 सीटां दे उत्ते जित दा दावा मनोहर लाल कर रहे हैं कि लोक सभा दे विच असीं सारियां सीटां जितांगे और काबिले गौर है कि उन्होंने मार्च के पहले हफ्ते का जिक्र कर दिता। काबिले गौर यह भी है कि जिहड़ा विधानसभा सैशन बजट सैशन हरियाणा के वलों सद्या गया वह 20 फरवरी तो होना है और मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा तो यह भी हो सकता है कि उस तो पहला पहला बजट सारा कुछ आ जाए हरियाणा का और इस विचाले जिहड़ा इलैक्शन अनाउंसमेंट हो। हालांकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी के हो सकता है फरवरी के दूजे या तीजे हफ्ते के इनफैक्ट जिमें हुण हरियाणा के सीएम ने बयान दे दिता तो यह लग रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते के लोक सभा चोणों का ऐलान कर दिता जाएगा। मार्च के बदले सत्ता में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनावी प्रचार अभियान करते हुए कौन से फेज में हरियाणा का चुनाव होगा ये तो चुनाव आयोग बताएगा, लेकिन मई के मध्य तक चुनाव सब देश में हो जाएंगे और तीसरे सप्ताह में जैसे पिछली बार चुनाव का परिणाम निकला था चुनाव परिणाम निकलेगा और मई के आखिरी 10 दिनों में पुनः तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी बनेगी, वो सारा खाका अपने सामने तैयार। अब कोई 400 सीटें कहेगा कोई कम ज्यादा कहेगा, लेकिन हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का। तो 10 दियां 10 सीटां जितने का टारगेट है पर दूजे पासे मार्च के पहले हफ्ते का जिक्र जरूर कर गए हरियाणा के सीएम बीजेपी के बड़े आगू ने। तो यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट अगले महीने फरवरी नहीं बल्कि मार्च के होंगी हुई नजर आ सकती है। उधर कांग्रेसी आगू राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सीमांचल के पहुंची जिथे राहुल ठेठ देसी अंदाज के मंजे के उत्ते परना बन के बैठे नजर आए। सिर दे उत्ते परना बन के अते मंजे ते बैठ के राहुल ने किसानां दे नाल गल कीती। राहुल गांधी ने पुर्निया दे विच किसानां दीआं सारीआं समस्यावां दे लई मोदी सरकार नूं जिम्मेवार दस्सिया। से जमीन ली जाती है अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। राहुल गांधी ने किसानां दे हथ दी कुल्हड़ दे विच चाह भी पीती इस तों बाद होटल दे विच आराम करन दे लई रवाना हो गए।
जानकारी मुताबिक जिसनों पर पंजाब दे विच सिर दे उत्ते बन्निया परना कह रहे हैं तो उसनू बिहार दे विच मुरिठा कहा जाता है तो उत्थे दे अंदाज दे विच राहुल गांधी रंगे हुए नजर आए ने। उधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू नू राज्यसभा दी मैंबरशिप दे लई राष्ट्रपति दे वल्लों नॉमीनेट किया गया। किसान परिवार तो निकले संधू भारत के मुख्य एजुकेशनलिस्ट दे विचों एक ने। सतनाम सिंह संधू का सिक्ख्या के खेत्र दे विच अहम योगदान रहा है। उन्होंने 2001 दे विच मोहाली के लांडरां च चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की नींह रख के सिक्ख्या के खेत्र दे विच एक कदम अगे वधाया सी। देश की बेहतरी वास्ते जिहड़ी गुड़ती बापू जी को मिली सी मैनूं एक होर बापू जी मिले श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप दे विच और उन्हां दे विजन नूं मैं फॉलो करता रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने अते उन्हां दे नॉमीनेशन दा स्वागत कीता। उधर मूसेवाला दे कातल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अते गोल्डी ब्राड नूं दहशतगर्द अर्श डाला धमकी दे रहा। न्यूज 18 नूं दित्ते सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे विच अर्श डाला ने यमुनानगर दे विच मारे गए शूटर राजन दे कतल दी गल कबूली अते दस्सिया कि किवें उसने राजन नूं घर तों चुकवा के मौत दे घाट उतारिया। पहली बार देखा ये सब चलता हुआ। लेकिन हत्या तो इन लोगों ने कराई है। बाकी जी पता नहीं इन्होंने करवाई है, अगर इन्होंने करवाई भी जिसने भी केस को उसका बनता हुआ मिलेगा। अर्श डाला ने इत्थों तक कहा कि वह अपने भरा गैंगस्टर सुखा दुन्नेके दे कतल का बदला जरूर लवेगा अते उसकी मौत का बदला और लॉरेंस बिश्नोई अते गोल्डी ब्राड तो लवेगा। जी हम तो नहीं बोलते किसका अगला नंबर है, ये बात बोल रहे हैं ये यमुना किनारे फेंका है, आगे वाले यमुना के अंदर फेंकेंगे काट कर। अर्श डाला न्यूज 18 नु दिते गोल्डी ब्राड दे इंटरव्यू तो बाद तो भड़किया होया है। दरअसल गोल्डी ने न्यूज 18 नु दिते इंटरव्यू दे विच अर्श डाला नु नशेड़ी दस्या सी अते अपना अगला टारगेट भी। हालांकि न्यूज 18 इन्हां दोवें इंटरव्यूज च दावियां दी तसदीक नहीं करदा। खैर जदों गैंगस्टरां दे वल्लों एक दूजे नु शरेआम धमकियां दित्तियां जाण कतल दी जिम्मेवारी लई जावे फिर फर्क तब पैंदा है। उधर तरन तारण दे विच गैंगस्टर प्रभजोत सिंह दे नाल पुलिस दा एनकाउंटर हो गया पर गैंगस्टर खेतां दे विच अपनी कार छड़ के भजण दे विच कामयाब हो गए। होया कुछ इस तरह कि इंटेलिजेंस अमृतसर दीआं टीमां गैंगस्टर दा पिछा कर रहीआं सन। इस दौरान जदों पुलिस दे नाल गैंगस्टर दा आमो सामना होया तां दोवें पासे तों क्रॉस फायरिंग हुई। इत्थे मौका पा के गैंगस्टर प्रभजोत सिंह फरार हो गया। एक काउंटर इंटेलीजेंस के बदमाश के विचारे जी मुठभेड़ का मामला सामने आया। जो गल की जाए तो विधानसभा हलका खेमगंज के पिंड करियाला के जब तड़क सारा अज काउंटर इंटेलीजेंस वालों एक स्विफ्ट गड्डी का पीछा किया जा रहा है तो एक बदमाश वालों जड़िया उपर गोलियां चलाई गई। प्रभजोत सिंह तरन तारण के दादूवाल का रहन वाला है। उसके कार छड़ के फरार होने काफ़ी देर तक पुलिस की टीम खेत के उसकी भाल करती रही पर कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग्या। उधर कैथल दे विच कॉमन सर्वे सेंटर दे प्रबंधक दे उत्ते अन्नेवा फायरिंग दीआं तस्वीरां सामने आईआं ने, उसदी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हेलमेट लगाए हुए काले नकाब दे विच चेहरे नूं ढक के एक शख्स कस्टमर बन के कॉमन सर्विस सेंटर दे विच आउंदा है अते सर्विस सेंटर दे प्रबंधक तों पैसिआं दी डिमांड करदा है। मना करन दे उत्ते उह जैकेट तों देसी कट्टा कढ के स्टॉल दे उत्ते रख दिंदा है अते फिर एक इंपोर्टेड पिस्टल कढ़दा है जिसनों लोड करदा है ते दोवें हत्थां दे नाल प्रबंधक दे उत्ते अन्नेवा फायरिंग करदा है ते फिर फरार हो जांदा है। अज्ञात व्यक्ति दा कोई मुंह बंद रहा था, सीधा दुकान में बड़ा अकेला मुंह बंद रहा था, वैसे यार उसने उसे पैसे मांगे उसको गोली चला दी। गोली राकेश दे मुंह दे उत्ते लगी अते गोलियां दे छर्रे अख दे विच लगे ते राकेश नूं चंडीगढ़ पीजीए रेफर करना पिया। जो अंदर बढ़ा था वो तो एक ही लड़का, उसके साथ एक लड़का बाहर भी हो सकता, लेकिन एक लड़के की हमें अभी अभी उसकी फुटेज मिली है और हमने इस संबंध में अपनी पुलिस में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना तो बाद सीसीटीवी के आधार के उत्ते पुलिस मुलजम की भाल कर रही है। अगे बढ़ते हैं, गल होगी इतिहास की। 30 जनवरी का इतिहास की कुछ कहना उसका जिक्र करेंगे। 30 जनवरी का इतिहास इंग्लैंड के सम्राट के नाल जुड़िया होया है। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स वन नू फांसी दी गई सी 30 जनवरी के ही दिन। जी हाँ, 30 जनवरी 1649 नू चार्ल्स फर्स्ट अजिहे इकले सम्राट से जिन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने शासनकाल 1625 तो लैके 1649 तक रहा। शासनकाल दे विच अजिहा ग्रह युद्ध छिड़िया कि शाही परिवार के वजूद के उत्ते संकट खड़ा हो गया। 1949 दे विच उन्होंने उत्ते राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, दोषी ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुनाई गई।
30 जनवरी का इतिहास साडे देश नूं एक वड्डा जख्म भी देके गया। दरअसल 30 जनवरी 1948 दी शाम नूं 1948 दे विच नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी दी गोली मार के हत्या कर दित्ती सी।